जनपद शिक्षा केंद्र हनुमना के सौजन्य से हायर सेकेंडरी स्कूल में दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर जिला शिक्षा रीवा के सौजन्य पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन जनपद शिक्षा केंद्र हनुमना सौजन्य से हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर से दिव्यांगता शिविर में सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग दिखाई दिए। दिव्यांगों को घर से लेकर शिविर तक लाने में हनुमना जनपद शिक्षा की मेहनत व कार्यकुशलता महत्वपूर्ण रही। विकलांगों को विकलांगता प्रमाण पत्र का वितरण कर उनके लिए फोटोकॉपी से लेकर भोजन व कृत्रिम अंग सहित अन्य उपकरण दिव्यांगों के लिए मुफ्त रहे। अस्थि बाधित दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग, दृष्टि बाधित, मूक बाधित, श्रवण बाधित व विकलांगता प्रमाण पत्र वितरण काउंटर आदि जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित ID जिला शिक्षा से विद्या झा जनपद शिक्षा केंद्र अधिकारी RD साकेत, BRCC देवेंद्र मिश्रा, BSC संतलाल साकेत, शिव प्रसाद द्विवेदी, BSC चंद्रमणि प्रजापति, BSC CSC राघवेंद्र पाठक के साथ समस्त स्टाफ एवं समस्त संकुल स्कूलों के प्रधानाध्यापक उपस्थित हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। मैम आज जो दिव्यांग शिविर लगाया गया है, अच्छा बाद में लगाया, कितने लोग को क्या हो गया, ये जांच हो गया? जांच चल रही है सर अभी कंटिन्यू, और ये कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि इसके पहले भी कैंप लग चुका है। तो यहाँ पे जिनके प्रमाण पत्र नहीं बने हैं वो प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, और जिनको उपकरण की आवश्यकता उनको चिन्हित किया जा रहा है, और एलमिको की टीम के द्वारा इनको उपकरण वितरण किया जाएगा, और यही मेन इनका मुख्य है। समथिंग कितना हो गया है? अभी कम से कम 150 लोग एंट्री हुई है, और अभी कई लोग के प्रमाण पत्र पहले के पिछले कैंप में बने हुए हैं, और कुछ को उपकरण भी मिले हुए हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनके लिए अब उनको पंजीयन किया जा रहा है, और अभी 10 लोगों के प्रमाण पत्र बने हैं अभी तक। दिव्यांग शिविर आयोजन किया गया जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत, तो क्या कहना चाहते हैं? आज ये जो है दिव्यांग बच्चों का चिकित्सकीय मूल्यांकन शिविर जो उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित है, और ये जो है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है या जिनका बना भी है सबको उपस्थित आना है, और सब आए हुए हैं और कार्य चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, LMCO की टीम आई हुई है, जिनको उपकरण नहीं मिला है उनको उपकरण प्रदाय किया जा रहा है, और अभी तक 10 बच्चों का प्रमाण पत्र बना हुआ है।